Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter the Cold War era, and under this chapter we were discussing about how during the Cold War the rivalry was there, though both the groups or blocks and superpowers also, they behaved in a very responsible and restricted manner, and their main responsibility was to avoid the Third World War. Still, as we have discussed in the previous class, there can be many situations in which war can occur. Like, there can be miscalculation by any one of the superpower. There can be any kind of misunderstanding between the superpowers regarding the intention of some act. There can be any kind of nuclear accident, or sometime a soldier mischievously can short of a nuclear weapon. So these kind of situations can be there, and these situations can lead to Third World War. And as we have seen that because rivalry was there, so the superpowers were always ready for war. Their main purpose was to increase their power, military power especially, so much so that the other superpower should not think of attacking on it. So ye jo cheez thi ki itna powerful bana lo ki koi aap pe attack karne ki soch hi na sake. Because of this, what was happening ki सुपर पावर्स अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ाते जा रहे थे. एंड नॉट ओनली दिस, नॉट ओनली सुपर पावर्स बट द रिमेनिंग कंट्रीज वर ऑल्सो इन द रेस ऑफ दीज आर्म्स. तो ये सिचुएशन थी. अब ये समझ में आया कि आर्म्स रेस में तो है, लेकिन और थर्ड वर्ल्ड वॉर को भी रोकना है. राइवलरी है इसलिए म्यूचुअल सस्पिशन है इसलिए आर्म्स बढ़ाने हैं, लेकिन वॉर नहीं करना है. बट स्टिल देयर कैन बी सिचुएशंस इन विच वॉर कैन अकर. तो उस सिचुएशन अगर वो सिचुएशन आ जाती है तो फिर देयर विल बी डेंजर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन काइंड. सो what should be done? There was need to limit some of the weapons, there was need to eliminate some of the weapons, and in this way arm limitations treaties were done between the two superpowers and of course other countries. So in this regard we will discuss some of the important arms control treaties. Okay, arms control treaties. Okay, अभी arms control treaties में हम लोग जो सबसे पहले देखेंगे वो कौन सा treaty था? Limited Test Ban Treaty, LTBT. Limited टेस्ट बैन ट्रीटी क्या है ये? इसका ये मतलब होता है कि जो न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने के लिए बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं. ऐसा नहीं कि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो एक लैब के अंदर ही पूरी फाइनली न्यूक्लियर वेपन तैयार हो जाएगा. इट्स नॉट पॉसिबल. फाइनल जो तैयार होगा न्यूक्लियर वेपन, उसके पहले उसकी टेस्टिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है. विदाउट टेस्टिंग अ कंट्री विल नॉट बी एबल टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन. तो अगर हम न्यूक्लियर वेपन
को रोकना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन ना हो, तो व्हाट शुड बी डन, हाउ दिस कैन बी डन, हाउ द कंट्रीज कैन बी स्टॉप्ड फ्रॉम डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड टू स्टॉप कंट्रीज फ्रॉम डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन इज द बैन ऑन टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट को बैन कर दिया जाए. सो दिस वॉज द रीजन फॉर दिस ट्रीटी RTBT, बट इट वॉज लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी. इसका ये मतलब हो रहा है कि ये जो ट्रीटी हुआ इसने एटमोसफेयर में, आउटर स्पेस में और अंडर वाटर में किसी भी तरह के न्यूक्लियर वेपन टेस्ट को बैन कर दिया. कहाँ कहाँ? एटमॉस्फेयर, आउटर स्पेस एंड अंडर वाटर. नो, हाँ, यस, अंडर वाटर. ये तीन जगह पे न्यूक्लियर टेस्ट को बैन कर दिया गया थ्रू दिस RTBT. दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड लिमिटेड. इसमें कंप्लीट बैन नहीं था. जैसे अंडरग्राउंड भी टेस्ट होती है, अंडरग्राउंड टेस्ट पर रोक नहीं लगाया गया थ्रू दिस RTBT. अंडरग्राउंड टेस्ट वॉज देयर, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड लिमिटेड, क्योंकि इसमें सिर्फ आउटर स्पेस, एटमॉस्फेयर और अंडर वाटर पे बैन लगाया गया. ओके, इट वॉज साइंड बाई US, UK एंड USSR ऑन 5th August 1963. कहाँ पे साइन हुआ था? मॉस्को में साइन हुआ था. किसने किसने साइन किया? US, UK एंड USSR. कब साइन हुआ? 5th August 1963. कहाँ साइन हुआ? जगह कौन सी थी? जगह था मॉस्को. ठीक है, और ये साइन तो हो गया 5th अगस्त 1963 को, और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ इट केम इनटू फोर्स इन अक्टूबर 1963. ठीक है, तो इस तरह से ये दीज आर द एफर्ट्स, वन ऑफ द एफर्ट्स जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, RTBT, जिसका ये मतलब हो रहा है कि न्यूक्लियर टेस्ट के, न्यूक्लियर वेपन के लिए जो टेस्ट होने हैं उस पर बैन लगा दिया गया. ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा है बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रीटी है वो, और उसका क्या नाम है, दैट इज NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. ओके, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. NPT. अब ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का क्या मतलब है? इसका इसके मीनिंग को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रीटी है. सो एज द नेम सजेस्ट, इट्स NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेट नहीं होना है. प्रोलिफरेट मीन्स फैलना. न्यूक्लियर वेपन जो है उसके फैलाव को, उसके फैलने को रोकना, मतलब ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होने चाहिए, ये इस ट्रीटी का एम है. ठीक है, कि न्यूक्लियर वेपन्स के स्प्रेड को रोकना. प्रोलिफरेट मतलब एक तरह से स्प्रेड, उसको हम समझ सकते हैं जो सिनोनिम वर्ड है, कि उसके बढ़ने को रोकना. तो इसमें क्या, इस ट्रीटी में क्या मेन चीज क्या थी? इस ट्रीटी में ये कहा गया कि 1st जनवरी 1967 के पहले
जिन कंट्रीज ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करके न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिया है, ओनली दोज कंट्रीज आर द न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स और न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज. अदर देन दोज कंट्रीज नो कंट्री कैन बिकम न्यूक्लियर वेपन स्टेट बिकॉज दे हैव नॉट डेवलप्ड दिस न्यूक्लियर वेपन बिफोर 1st जनवरी 1967. ठीक है, 1st जनवरी का एक ये लगाया गया 1st जनवरी 1967, ये एक डेट फिक्स कर दी गई कि 1st जनवरी 1967 के पहले जिन कंट्रीज ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करके न्यूक्लियर टेस्ट करके न्यूक्लियर वेपन मैन्युफैक्चर कर लिया है वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं. अब उनके इस पीरियड के बाद जो भी न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे टेस्ट करके या किसी भी तरह से करके, उनको न्यूक्लियर वेपन स्टेट का रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा. मतलब 1st जनवरी 1967 के पहले जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिया है दे आर ऑफिशियली न्यूक्लियर वेपन स्टेट. मतलब उनको पूरी दुनिया मानेगी कि यस दे आर द न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज. बट 1st जनवरी 1967 के बाद अगर कोई कंट्री न्यूक्लियर वेपन डेवलप करती है तो दैट विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड कम्युनिटी. दैट विल बी कंसिडर्ड एज अनऑफिशियली दे आर हैविंग दिस न्यूक्लियर वेपन. ठीक है, तो एक तो सबसे पहले एलटीबीटी कर दिया गया 1963 में. ठीक है, कि अब कोई टेस्ट ना हो सके, अंडरग्राउंड छोड़ के और कोई टेस्ट नहीं हो सकता था. और फिर 67 का ये 1st जनवरी 1967 का ये लगा करके कर दिया गया कि इसके पहले जिन्होंने भी टेस्ट करके डेवलप कर लिया बस वही न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स होंगे. इसके अकॉर्डिंगली कौन कौन से न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हमारे दुनिया में रह गए, दीज आर 5 कंट्रीज, यूएस, यूएसएसआर, यूके, चाइना एंड फ्रांस. दीज आर द 5 कंट्रीज विच हैव डेवलप्ड न्यूक्लियर वेपन, विच हैव मैन्युफैक्चर्ड न्यूक्लियर वेपन बिफोर 1st जनवरी 1967. सो दीज आर द 5 कंट्रीज विच आर ऑफिशियल न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स. ओके, गॉट इट. दिस इज द पर्पस कि न्यूक्लियर वेपन के प्रोलिफरेशन को, स्प्रेड को कैसे रोका जाए. दिस इज द वे थ्रू विच वी कैन स्टॉप द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन. ठीक है, तो इसको लेकर के हम देखते हैं कि जो ट्रीटी हुई, ये जो एनपीटी है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, दिस ट्रीटी वॉज साइंड बाई ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, नॉट रसिया, यूएसएसआर, यूएस एंड चाइना. जो ये पांचों कंट्रीज है, यूएस, यूएसएसआर, यूके, चाइना, फ्रांस, इन पांचों कंट्रीज ने इस ट्रीटी पर साइन कर दिया 1st जुलाई 1968 को. ठीक है, 1st जुलाई 1968 को साइन हो गया. किसने किसने साइन किया, इन पांचों कंट्रीज ने सबसे पहले किया, यूएस, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस एंड चाइना. ठीक है, और इस तरह से ये हो गया कि ये पांचों न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज बन गए. और ये जो ट्रीटी थी एनपीटी, इट केम इन टू फोर्स ऑन 5th मार्च 1970. ठीक है, तो 5th मार्च 1970 को ये फोर्स में आया और उसके बाद इसको एक्सटेंड किया गया 1995 में. इट वॉज एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली, मतलब हमेशा के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया कोई पीरियड. जैसे मोस्टली क्या होता है, जो ट्रीटीज होती हैं उनकी कुछ पीरियड होती है, 20 years 25 years, है ना. इस तरह से इसके लिए कुछ पीरियड होता है, टाइम होता है. बट यहाँ पर क्या किया गया कि इसको बिल्कुल इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर दिया गया 1995 में, मतलब हमेशा के लिए इसको कभी भी चेंज नहीं किया जाएगा. यही पांच ऑफिशियल न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज हैं. इस कॉन्टेक्स्ट में आप ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और भी चीजें इसके साथ साथ है,
क्योंकि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था LGBT 1963 में उस पर साइन हुआ, उसके बाद 1996 में एक नया वो आता है ट्रिटी आता है, दैट इज कॉल्ड CTBT कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रिटी। अब ये CTBT इसको समझना इम्पॉर्टेंट है, हालांकि इट इज नॉट दो इट इज नॉट गिवन इन योर बुक, बट इन द एब्सेंस ऑफ CTBT इट विल नॉट बी अंडरस्टैंडेबल, दैट इज वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, है ना। पूरी चीज को समझने के लिए CTBT समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि हम लोग देख चुके हैं LGBT हो चुका है 1963 में, एंड नाउ CTBT। CTBT क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रिटी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो अभी हमने देखा था LGBT, जिसके अंदर की आउटर स्पेस, एटमॉस्फेयर और अंडर वाटर, इन तीन जगहों पर बैन लगाया गया था न्यूक्लियर टेस्ट पे। अब क्या हो रहा है? थ्रू दिस कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रिटी वन मोर थिंग वॉज एडेड, दैट वॉज अंडरग्राउंड। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जब LGBT हुआ तो अंडरग्राउंड को छोड़ दिया गया था, बट अब क्या हुआ, अंडरग्राउंड को भी इंक्लूड कर लिया गया, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है ना, आउटर स्पेस भी है, एटमॉस्फेयर भी है और अंडर वाटर भी है ना, सो एवरीथिंग इज देयर। अब क्या हो गया 1996 में कि आप कहीं भी कोई भी किसी भी तरह का टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्टैंड ऑफ इंडिया ऑन दीज टू ट्रीटीज, लाइक दैट दैट NPT न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। व्हाट इज द स्टैंड ऑफ इंडिया? इंडिया हैज नॉट साइंड ऑन बोथ दीज ट्रीटीज। व्हाई? इंडिया इज अ पीस लविंग कंट्री, एज वी नो, we project ourselves like a peace loving country, still we have not signed on these arms control treaties. What is the reason behind it? The reason is that these treaties are discriminatory in nature, these treaties are dividing the world into two parts. One part is of those countries which are nuclear haves, and the another part is of those countries which are nuclear have nots. So this is discriminatory. On what basis you are saying ki 1st January 1967 ke pehle jinhone test kar liya they are nuclear weapon states, ab kisi ko bhi test nahi karna hai, nuclear weapon nahi banana? Why? Aakhir 1st January 1967 ka hi kyun rakha gaya? ye discriminatory hai, इक्वालिटी पर बेस्ड नहीं है, इसलिए हमारी कंट्री ने इस पे साइन नहीं किया है ना। और जब CTBT आया तो CTBT पे भी हमने साइन नहीं किया, क्योंकि हमने किया न्यूक्लियर टेस्ट किया, हमारा दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, इन द सेकेंड बुक यू विल रीड अबाउट इट व्हेन यू विल रीड फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, अंडर दैट चैप्टर there is a very important topic, India's nuclear policy, and in that topic you will be studying all these things. So isko relate karke agar aap abhi se chaloge to it will be easy for you to understand, hai na. So India ne jo first nuclear test kiya tha, that was in the year 1974, May 1974 mein India ne first test kiya tha Pokhran Rajasthan, theek hai। तो वो जो टेस्ट इंडिया ने किया था उसमें हमने दुनिया को यही कहा कि हम न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करना चाहते हैं, एंड फॉर दैट पर्पस वी आर डूइंग दीज टेस्ट, आवर पर्पस इज नॉट टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन, ओके। सो दैट वाज फर्स्ट टेस्ट डन बाय इंडिया इन 1974, एंड देन अगेन इन द ईयर 1998 द सेम मंथ में वी हैव डन अनदर टेस्ट, एंड दिस टाइम द होल वर्ल्ड वॉज
came to know that we are doing these tests in order to अचीव न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, है ना, कि हम न्यूक्लियर वेपन ही बनाने के लिए एक्चुअली वो टेस्ट हुआ. और आफ्टर दैट टेस्ट, 98 का जो टेस्ट हमने किया, उसके बाद हम एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री बन गए. बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बट वी आर नॉट ऑफिशियल न्यूक्लियर वेपन स्टेट बिकॉज वी हैव डन ऑल दीज थिंग्स आफ्टर 1 जनवरी 1967, जो कि एनपीटी में जो टाइम फिक्स किया गया था, हमने उसके बाद किया ना सारे टेस्ट. तो इसलिए हमें रिकॉग्निशन न्यूक्लियर वेपन कंट्री के फॉर्म में नहीं मिलती है वर्ल्ड में. हमारे पास है न्यूक्लियर वेपन बट इट इज नॉट ऑफिशियल. इन द सिमिलर वे पाकिस्तान हैज ऑल्सो डेवलप्ड न्यूक्लियर वेपन, इसराइल हैज ऑल्सो डेवलप्ड न्यूक्लियर वेपन, नॉर्थ कोरिया हैज ऑल्सो डेवलप्ड न्यूक्लियर वेपन, बट ऑल दीज कंट्रीज आर अनऑफिशियली, दे आर अनऑफिशियली न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज. ठीक है, तो दीज आर ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, है ना. तो इस तरह से ये हो गया, ये तीन ट्रीटी के बारे में हमने पढ़ा. इसके अलावा और भी बहुत सारे ट्रीटीज जो थे वो हुए थे इस समय में ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, जिसमें से कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी है सॉल्ट वन, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी टॉक्स वन. स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी दिस इज कॉल्ड सॉल्ट, SALT, सॉल्ट वन, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स वन. सो देयर वॉज टॉक्स, ठीक है, देयर वॉज टॉक्स बिटवीन कंट्रीज लाइक US और USSR, इनकी ही बात हो रही है, देवर द सुपर पावर्स, देवर लीडिंग द होल वर्ल्ड. तो देवर टॉक्स बिटवीन US एंड USSR. US के प्रेसिडेंट उस समय थे निक्सन, ठीक है, निक्सन, और उधर USSR के जो प्रेसिडेंट थे वो थे ब्रेजनेव, ठीक है. निक्सन और ब्रेजनेव, इन दोनों ने टॉक्स स्टार्ट किया November 1969 में. ओके, the time is November 1969, US के प्रेसिडेंट है निक्सन और USSR के हैं ब्रेजनेव, ठीक है. इन दोनों के बीच टॉक्स स्टार्ट होती है और उसके बाद उन्होंने मॉस्को में कुछ ट्रीटीज पे साइन होते हैं 1972 में. टॉक्स 69 से चलते चलते जाकर के 72 में साइन होता है. जो पहली ट्रीटी जिस पर साइन होती है वो है ABM ट्रीटी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, ABM ट्रीटी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी है दोनों कंट्रीज के बीच, ताकि एक जिसको हम कहें कि विश्वास का माहौल इससे क्रिएट होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है, ठीक है. और दूसरी जो ट्रीटी इसी समय हुई वो थी इंटरिम एग्रीमेंट ऑन द लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स, जो स्ट्रेटेजिक पर्पस से बहुत ही ऑफेंसिव आर्म्स होते हैं उनके लिमिटेशन के लिए ट्रीटी हुई. और ये दोनों ट्रीटीज जो है वो 1972 में वो फोर्स में आ गई, ठीक है. तो ये सॉल्ट वन हुआ, जिसमें कि आर्म्स लिमिटेशन के लिए टॉक्स स्टार्ट होते हैं 69 में और जाकर के वो साइन होता है 72 में, ठीक है. और इसमें दो दो ट्रीटीज होते हैं, एक तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी हो गया और दूसरा जो ट्रीटी है वो है इंटरिम एग्रीमेंट ऑन द लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स, ठीक है.
इसी तरह से सॉल्ट वन के बाद सॉल्ट टू होता है, ठीक है। सॉल्ट वन जब हो गया उसके बाद सॉल्ट टू, सॉल्ट टू भी टॉक्स है ना, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन के लिए टॉक्स स्टार्ट होते हैं फिर से, और जो सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है वो नवंबर में होता है, और इस समय यूएस के जो प्रेसिडेंट है वो कौन हो जाते हैं, जिमी कार्टर, ठीक है। और सोवियत के जो लीडर हैं वो ब्रेजनेव ही रहते हैं, उन्होंने फिर से एक साइन किया ट्रीटी पर, और इस तरह से जो स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स वाले थे, आर्म्स थे, उनके लिमिटेशन पर एक साइन होता है, ट्रीटी होती है वियना में 1979 में, ओके। तो टॉक्स कब स्टार्ट होते हैं, टॉक्स स्टार्ट इन 1972 नवंबर, है ना। और किन के बीच स्टार्ट होता है, फिर वही यूएस है और यूएसएसआर है। यूएस का कौन है, यूएस के जिमी कार्टर है, और यूएसएसआर के ब्रेजनेव भी हैं, ठीक है। और जो ट्रीटी होती है वो किसके रिगार्डिंग होती है, वो स्ट्रेटेजिक आर्म्स, स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स के लिमिटेशन के लिए ही ट्रीटी होती है, और कब होती है, 1979 में, कहां पे होती है, वियना में, वियना जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। और ये इसमें क्या होता है, स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स पे लिमिटेशन होता है, लिमिटेशन ऑन स्ट्रेटेजिक आर्म्स, स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स, ओके। तो इस तरह से ये सॉल्ट टू भी हो जाता है। उसके बाद फिर और भी कुछ ट्रीटीज हुए दोनों कंट्रीज के बीच में, लाइक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी है स्टार्ट वन। स्टार्ट वन इज START, इट इज फॉर स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, ठीक है। स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी वन, दैट इज स्टार्ट। स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी वन, ठीक है, इसको हम स्टार्ट भी कहते हैं, स्टार्ट वन। अब इस स्टार्ट वन के बारे में यू मस्ट नो कि ये जो ट्रीटी है उसको यूएसएसआर और यूएस के बीच में ही, दोनों के बीच में हुआ था, और इसका जो एम था वो यही था कि रिड्यूस किया जाए और लिमिट किया जाए स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स को, ठीक है। और इस समय यूएस के प्रेसिडेंट जो थे वो जॉर्ज बुश थे, ठीक है, जॉर्ज बुश सीनियर वाले, और जो यूएसएसआर के थे उस समय, इस समय मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो आ गए थे। और ये हुआ था ट्रीटी मॉस्को में, और इसमें कौन थे वो, कहाँ हुआ था मॉस्को में, और कब हुआ था, 1991 के जुलाई में, ठीक है। तो इसमें फिर से ये यूएस और यूएसएसआर के बीच में ही है, यूएसएसआर में बुश और यहाँ पर गोर्बाचेव। कब हुआ, जुलाई 1991 में, कहाँ हुआ, मॉस्को में, और इसका था क्या आउटकम, क्या हुआ आउटकम, ये था
कि टू रिड्यूस एंड लिमिट द स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स, है ना, टू रिड्यूस एंड लिमिट स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स. Okay, so this is all for today. We will discuss other things in the next class.